संकट हरण, यानी ये बालक एक महान आत्मा है, ये दिन दुखियों की रक्षा करने वाला, संकट को हरने वाला है। इसलिए श्री हरगोविंद साहब ने उनका नाम त्यागमल रखा। यही त्याग गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने जीवन में चरितार्थ भी करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उनके बारे में लिखा है, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निधि आवे धाई, सब थाई होई सहाय। अर्थात गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण से ही सभी सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंदी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है, भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभा मंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनौतियां खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखाकर दिशा देती है। भारत का हर क्षेत्र, हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायी हर तरफ हुए, पटना में पटना साहिब और दिल्ली में रकाबगंज साहिब, हमें हर जगह
गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में एक भारत के दर्शन होते हैं। भाई और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिब जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतार